शुरुआती बातचीत में ही ये बात सामने आई कि लोग इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये तो एक जगह की राय थी। इसके बाद श्रीनिवास पसौंडा गांव के अंदर की तरफ बढ़े। घाट पर बुजुर्गों की बैठक ही सजी थी। यहीं श्रीनिवास ने इसराइल फिलिस्तीन जंग की बात छेड़ दी। इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, सुना है? सुना क्या, पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, समझ गए जी? इसे फलस्तीन यानी जी, जब बमबारी होने लगी तो आदमी मरे, वे तो नुक्के नहीं है। लेकिन ये बताइए, झगड़ा तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हाँ, तरह तरह की बातें की जा रही है, दुआ करी जा रही है, समझ गए जी? ये बताइए ना, दुआ करी जा रही है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से दुआ की जा रही है, एक तरफ से विरोध किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध तो किसी ने नहीं करा, विरोध तो कोई नहीं कर रहा। अभी देखिए ना, अभी बहुत सारे नेता लोग हैं वो कह रहे हैं इसराइल के साथ हैं हम, आतंकी है हमास। नहीं, ये नहीं है। ये जो है ये फरौड़ी आदमी है जो ऐसी बात करते हैं, ये फरौड़ी आदमी है। देखो, सब हम इस बात को चाहते हैं कि सब हंसी खुशी रहें, एकता बना के रहें, तो अपने हिंदुस्तान का फायदा है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसराइल फिलिस्तीन में झगड़ा होता रहता है, अभी हम देख रहे हैं कि इस बार, खास करके इस बार, हर नेता की तरफ से किसी न किसी के पक्ष में बयान आ रहा है। कोई कह रहा है जी इसराइल बढ़िया, कोई कह रहा है फिलिस्तीन बढ़िया। अरे हमें हिंदुस्तान वालों को क्या करना है? हमें तो देखो अपने हिंदुस्तान को देखना, हमें अपने हिंदुस्तान में रहना, हमें तो इसकी अच्छाई बुराई देखनी कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको माहौल क्यों बनाया जा रहा है हिंदुस्तान? माहौल को हम क्या बता सके जी? माहौल तो माहौल का कुछ पता नहीं, ना हमारे पास कोई नेता था, ना हमारे से कोई बात करता, जब इलेक्शन आते जब तो हाथ जोड़ते, फिर धक्का, फिर कोई नहीं बोलता। जब श्रीनिवास बुजुर्गों की बैठक से निकलने लगे तो एक मुस्लिम बुजुर्ग ने उन्हें रोका और फिर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे। क्यों कह रहा हूँ, मोदी ने तो इतना बढ़िया काम करा है, गुंडागर्दी सब निमटा दी, जितने गुंडे थे बदमाश थे सब खत्म कर दिए, यानी जी सुख चैन से रह रही सब, अन्नी लंबियों की चैन, बहुओं की चैन, तेरा माल लूट लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। ये मोदी ने आपको चैन दिला दी? चैन दिला दिया, सुकून सुकून है। दूसरे राउंड की बातचीत से सामने आया कि पसौंडा गांव के मुस्लिम मिडिल ईस्ट की हलचल से ज्यादा अपनी जिंदगी के सवालों में उलझे हैं। बातों का ये कारवां चाय की चौपाल तक पहुंच गया। कुछ लोग अखबार पढ़कर देश दुनिया का हाल जान रहे थे और अंदर गर्म गर्म चाय उबल रही थी, जिसमें श्रीनिवास ने इसराइल हमास जंग की चकल्लस घोल दी और माइक आगे कर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से इसराइल हमास युद्ध के बारे में पूछ लिया। आपको तो ये तमाम चीजें मालूम होंगी, कुछ सुना आपने इसराइल फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में? नहीं, क्या सुनगा, क्या अखबार में पढ़ रहे, देखने क्या मतलब, कोई जानकारी है आपको? जानकारी क्या है बता, जानकारी तो ये हम तो जाने कि जिसको जबरदस्ती घुसा लिया उसने एक दिन कहा भागो यहाँ से, वो हाल हो रहा है। सन 1942 में ये यहाँ बसाए थे, जगह खाली पड़ी थी, आज वो करे भागो यहाँ से, ये वो लोग। उसके बाद तो झगड़ा कर रहे हैं दोनों, झगड़ा ये बस ये और क्या है, फिलिस्तीन उसके ऊपर झगड़ा, जो अक्सा मस्जिद है, अक्सा मस्जिद वहाँ पे भी गोले चले, बहुत बुरा हाल है, उसके आसपास भी गोले चले मालूम है। 70 सालों में झगड़ा हमेशा होता रहा इसराइल फिलिस्तीन के बीच, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि हमारे नेता खास करके जनता के लिए बयान दे रहे हों, कोई इधर से झंडे उठा रहा, कोई उधर से झंडे उठा रहा। बस जी, अब अपने वक्त की बात, हमने तो देखा है, बाकी फिलिस्तीन का कोई झगड़ा मुझे नजर नहीं आता है। आपको ये लग रहा है क्या हिंदुस्तान में ये बातें चुनावों को लेकर की जा रही है? कोई माहौल बनाने की कोशिश? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा बनेगा ना ऐसा होगा। एक चीज जरूर है, ये तो आपको माननी पड़ेगी, इनसे बीजेपी वालों से भी हमारे लोग खिलाफ हैं ज्यादा, वैसे हालात देख लो या हिंदुस्तान के हालात। सिर्फ एक ही तरफ नहीं ना, अबू सर ओवैसी साहब वो झंडा लेके खड़े हो गए, इधर एक देखा कोई पता नहीं कोई नित्यानंद स्वामी कह रहे वीजा दो मैं इसराइल से लड़ने जाऊंगा,
हाँ तो वो अपनी सोच की बात है, वो कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे? मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल तो बनेगा चुनाव के इधर, चुनाव में इसका माहौल बनेगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा चुनाव तक तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।